अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे जाने के बाद से बहू तो रोज ही लेट आ रही है। लेकिन मम्मी फोन तो उठाना चाहिए ना, कब से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कन्विंस मिला भी होगा या नहीं। उसे क्या जरूरत है कन्विंस की, पता ना कौन लड़का है रोज बाइक पे छोड़ने आता है उसे। लो आ गई। समीर तुम आ गए, तुम तो कल आने वाले थे, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? मैं काम करती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ, फिर डिनर करने के बाद बात करेंगे। नेहा हाँ, अब तुम ये जॉब नहीं करोगी। क्यों? क्यों क्या, मैं कह रहा हूँ इसलिए। पर समीर हमने डिस्कस किया तो था इस बारे में। डिस्कस किया था नेहा, लेकिन चीजें उस तरह नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए थी। मतलब ये कि हमें ना करानी तेरे से कोई जॉब वॉब। मोहल्ले वाले पता है क्या बातें करते हैं, कहते हैं कि इनकी बहू कमाने जाती है। और मैं जॉब कर तो रहा हूँ ना, मेरी सैलरी हम लोगों के लिए काफी है। समीर जॉब करने का मतलब सिर्फ कमाना नहीं होता, पर मेरे अपने भी तो सपने हो सकते हैं ना। मुझे तो सपने कम और आजादी ज्यादा लग रही है। सुबह निकलो घर से, पूरा दिन मौज मारो और शाम को लेट आओ घर पे। मम्मी जी जैसे समीर नौकरी करने जा रहे हैं, वैसे मैं भी नौकरी करने जाती हूँ, कोई मौज मस्ती करने नहीं जाती। अनजान लड़कों के साथ बहू बाइक पे बैठ के घर आ रही है, ये क्या अच्छी बात है? चार लोग देखेंगे तो हमें ही बुरा कहेंगे ना। कैसी बातें कर रही है मम्मी जी आप, अरे वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, अगर आते समय मैं लेट हो गई और उसने मुझे ड्रॉप कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? देखो नया, अब कोई बहस नहीं, कल से तुम जॉब पर नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला है? तुम होते कौन हो मेरा ये फैसला लेने वाले? अरे क्या शादी के बाद एक लड़की अपना करियर नहीं बना सकती? समीर जब तुम मुझे देखने आए थे मैंने तभी तुमसे कह दिया था कि मुझे नर्सिंग में अपना करियर बनाना है, और आज जब मैं वही जॉब कर रही हूं तो आप लोग मुझे वो जॉब करने से रोक रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था कि शादी के बाद मैं सिर्फ घर संभालने बैठ जाऊं। मैं समझती हूं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खासतौर पर लड़कियों के लिए, लेकिन इसके लिए एडजस्ट कर तो रही हूं मैं। सुबह आप लोगों का नाश्ता बना के जाती हूँ, आप सबके लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ, मम्मी जी को दवाइयाँ समझा के उसके बाद ही ऑफिस जाती हूँ। समीर तुम बताओ मैंने अपनी जिम्मेदारियों में कौन सी कमी छोड़ दी है? क्या तुमसे कभी एक भी मदद मांगी मैंने? नहीं ना। और अगर कभी मैं ऑफिस से आने में लेट हो गई तो क्या वो जिम्मेदारियां तुम नहीं संभाल सकते? हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के सपने को समझना चाहिए, लेकिन होता क्या है, लड़कियों को शादी के बाद जॉब करने के लिए मना कर दिया जाता है। वो किसी से हंस के बात कर ले या फिर किसी के साथ आए जाए तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी जाती है। अरे इस हिसाब से तो कोई भी लड़की शादी के बाद काम ही नहीं करेगी, उसे तो अपने सपनों को मारकर घर पे बैठ जाना चाहिए। मम्मी जी अगर आपकी बेटी पे इस तरह से कोई उंगली उठाए और बातें बनाए आप सुन लेंगी? नहीं सुनेंगी ना, तो मैं भी नहीं सुन सकती। और समीर मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। नेहा